आम आदमी पार्टी को उस वक्त एक तगड़ा झटका लगा जब उसके एक मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। आनंद ने कहा कि आज मैं अपने सभी पदों और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और इसके बाद मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। दिल्ली के पटेल नगर से विधायक ने आम आदमी पार्टी पर दलित विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बना, मैं जो कुछ भी बना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण और समाज का कर्ज चुकाने के लिए बना। अगर कोई पार्टी दलितों के प्रतिनिधित्व की बात कर पीछे हट जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए उस पार्टी में रहना सही है। राजकुमार आनंद जाटव हैं और उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो किसी भी दूसरे दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने अब कई चुनौतियां आ गई हैं और खासतौर पर दलित समुदाय के वोटर्स को लेकर के। आम आदमी पार्टी की चुनौतियों में सबसे बड़ी बात यह है कि राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का एक दलित चेहरा थे और उनके पास समाज कल्याण, एससी और एसटी, गुरुद्वारा चुनाव आदि विभाग जो हैं वो उनके पास थे, जिससे उन्होंने इस्तीफा दिया। आनंद का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और जिससे दिल्ली कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 7 से घटकर क्या 5 हो गई और एक नए व्यक्ति को शामिल करना अब पड़ सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में रहते हुए सीएम की तरफ से निर्देश जारी करने पर आपत्ति जाहिर की तो ऐसे में केजरीवाल किसी और के नाम की सिफारिश कैसे कर पाएंगे, ये सवाल भी आम आदमी पार्टी को दुविधा में डाल सकता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पटेल नगर सीट पर उपचुनाव होगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि आनंद के जाने से इस विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब अगर सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के लिए ये एक अशुभ संकेत है कि जिस व्यक्ति को पहली बार विधायक चुनने के बावजूद पार्टी ने मंत्री बनाया वही चला गया। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम को हटाए जाने के बाद राजकुमार को पहली बार विधायक चुनने के बावजूद मंत्री बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी के दलित विधायकों में थोड़ी सी नाराजगी थी क्योंकि उनसे भी ज्यादा योग्य उम्मीदवार वहां पर मौजूद थे। तीसरा है, पार्टी को यह भी डर है कि दिल्ली में दूसरे पदाधिकारी भी ऐसा कदम उठा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मंत्री पद मिलने के बावजूद इस्तीफा दे दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने हाल ही में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। रिंकू को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पहले ही जालंधर से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। राजकुमार आनंद तकरीबन 4 साल पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और दरअसल उनकी पत्नी वीना आनंद ने 2013 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता और 2015 में वो फिर बाहर हो गई। राजकुमार आनंद को 2020 में टिकट मिला और उन्होंने जीत हासिल की। नवंबर 2023 में कस्टम एक्ट की धाराओं के तहत कथित अपराधों के लिए DRI की एक शिकायत के बाद ईडी के अधिकारियों ने PMLA केस की जाँच के तहत उनके दफ्तरों पर छापा मारा। लोकसभा और विधानसभा सीटों पर दलितों का असर है और इसके अलावा दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 12 SC उम्मीदवारों के लिए यह आरक्षित है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने 12 रिजर्व सीटों में से 8 पर जीत हासिल की और 2015 और 20 में उसने ये सभी सीटें हासिल की। दिल्ली के मतदाताओं में दलित 20% है और 2013 में वो निर्णायक रूप से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए। राजधानी के 7 लोकसभा सीटों में से उत्तर पश्चिम दिल्ली एक रिजर्व सीट है जिसमें बीजेपी ने 2014 और 2019 में जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह 2019 में 21% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे जबकि बीजेपी के हंस राज हंस ने 60% वोटों से भारी जीत वहां हासिल की। 2014 में भी आम आदमी पार्टी की राखी बिरला दूसरे नंबर पर रही जबकि बीजेपी के उदित राज 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। 2019 में आम आदमी पार्टी उत्तर पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली सीटों पर उपविजेता रही जबकि कांग्रेस बाकी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ सभी 7 लोकसभा सीटें जीती। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने दलित समुदाय के सदस्य कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली से टिकट देने का बड़ा शोर मचाया और जो एक अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। पार्टी का चिन्ह झाड़ू की पहचान वाल्मीकियों से है और इसे दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में इस वोटर बेस को लुभाने में कामयाब रही लेकिन दलित नेताओं जैसे कि आनंद, रिंकू और अंगुरेल के पार्टी छोड़ने के बाद चिंता जाहिर है आम आदमी पार्टी की बढ़ गई है।
पंजाब की आबादी में 32% जो हैं वो दलित हैं और पंजाब में 117 विधानसभा सीट में से 34 अनुसूचित जाति के लिए ये सीट्स आरक्षित हैं। जाति के लिए ये जो सीटें आरक्षित हैं उसमें पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने इन 34 रिजर्व सीट में से 29 पर जीत दर्ज की। अब सवाल यही है कि क्या आप अपने टूटते हुए जनाधार को बचा पाएगी? साल 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में बीजेपी दलित वोटर्स को क्या लुभा पाएगी? आपसे दलित नेताओं का मोह भंग आखिर क्यों होता हुआ जा रहा है, ये एक अहम सवाल इस वक्त है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या स्टेप आगे लिए जाएंगे, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं और एक एक करके जो पार्टी है उसमें टूट इस वक्त नजर आ रही है। धीरे धीरे जो तमाम विधायक हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आम आदमी पार्टी से छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी अपनी इस टेंशन को कम करने के लिए क्या कदम उठाती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आदित्य, इस समय जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी में जो टूट की स्थिति नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल चाहे कुछ भी बोलें और चाहे उन्होंने कुछ भी बोला हो, एक काम उन्होंने ज़रूर किया, लोगों को संगठित किया। अब चूँकि अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और सलाखों के पीछे हैं, ऐसे में दलित वोट जो है वो भी आम आदमी पार्टी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। अब लोकसभा चुनाव तो दूर की बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली में अपनी सरकार बचा पाएंगे? देखिए, पूरे देश की राजनीति आप शिखा बहुत बारीकी से समझ रही होंगी। आज लोकसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार है और पूरा चुनाव चरम पर है। आपने देखा पिछले एक साल से चाहे कांग्रेस हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एससी एसटी ओबीसी बैंक के वोट की राजनीति अपने चरम पर थी। संसद हो या सड़क हो, राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की बात कर दी, एससी एसटी के हक की बात कर दी। वहीं जब महिला आरक्षण बिल आया तब ओबीसी, उस आरक्षण में भी ओबीसी महिला आरक्षण की बिल की बात हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के पहले की स्ट्रेटजी में बदलाव कर दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाया कि एससी एसटी ओबीसी दलित इन सबको बैलेंस आउट कर दिया। और शायद उसी के बाद से आज तक कभी भी जो एक बात था कि पूरा एससी एसटी ओबीसी दलित पीडीए, ये तमाम चर्चाएं खत्म होती नजर आई। बिहार में, उत्तर प्रदेश में पीडीए फैक्टर की बात होती थी, पिछड़ा, दलित, ये वो तमाम चीजें, ये सब खत्म होती नजर आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण और ब्राह्मण की पार्टी की इमेज से निकलकर एससी एसटी ओबीसी इन तमाम बातों को करते आए। ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम आम आदमी पार्टी ने कैसे कम समय में सत्ता हासिल करी, उसकी वजह क्या थी। दिल्ली में 3 बार कांग्रेस का शासन रहा और किस तरीके से शीला दीक्षित का पूरा शासन रहा, और दिल्ली मतलब कांग्रेस का शासन। लेकिन आम आदमी पार्टी आई और उसने सबसे पहले जिन वोटर्स को कांग्रेस से लिया वो एससी एसटी ओबीसी ही थे। वो दलित थे, वो एससी थे, वो एसटी थे, वो ओबीसी थे। आपको बता दें कि जो विधानसभा 70 की विधानसभा है उसमें से 20 विधानसभा जो हैं, 12 विधानसभा जो अगर बात करें इस तरीके से, तो एससी एसटी रिजर्व्ड है। अगर लोकसभा की बात करें तो 7 में से 1 है, और अगर ये 70 विधानसभाओं की बात करें तो 70 में से 12 एससी रिजर्व्ड सीट्स हैं। और जब आम आदमी पार्टी ने अपना शासन शुरू किया 13, 15, 20 की बात करें तो उन्होंने 8 पहले, सबसे पहले ही 8 सीटें जीत ली उन 12 में से, रिजर्व सीटों में से, और फिर धीरे धीरे 15 और 20 में आके सारी की सारी सीटें जीत ली। यानी कि कांग्रेस का पूरा जो एससी या फिर कह दें दलित वोटर को ले लिया। 20% दलित वोटर है शिखा, 20%।
तो अब चिंता की बात, आपने कहा कि जेल में है, कैसा होगा, क्या स्थिति होगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चिंता है कि दलित वोटर को जो वो कंसोलिडेट किया था, और वहीं सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी दो दलित सांसदों ने पार्टी छोड़ी। दिल्ली में एक दलित विधायक जिनकी पत्नी पहले 2013 में आ चुकी है, फिर 15 में उभार हो गई थी, फिर 20 में इनको टिकट मिला राजकुमार जी को। ऐसे में पंजाब में भी 34% दलित वोटर है और 117 सीटों में कम से कम 32 सीटें रिजर्व्ड है एससी की। तो ये बहुत बड़ा डायरेक्ट आम आदमी का वोटर जो है वो छिटक गया। अब देखिए सवाल ये उठता है कि राजकुमार ने कहा कि मेरे को जो भी कुछ मिला वो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए मिला। इनकी राजनीति भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है। उन्होंने कहा मुझे समाज को रिटर्न करना था, तो यानी कि राजकुमार ने रिजाइन करते करते भी अपने वोटर को, अपने समाज को इंटैक्ट रखा। भले ही उन्होंने अभी कहा कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि जिस पटेल नगर से ये विधायक आते हैं उस पटेल नगर में विधानसभा दिल्ली के होने से पहले उपचुनाव होने हैं, और यहां तक कि जो दो दलित सांसद हैं जो पंजाब से आते हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनको पहले ही जलंधर से आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया था फिर भी छोड़ दी। तो ये दलित वोटर के छिटकने की चिंता। और फिर आपका सवाल था कि क्या वो सरकार बचा पाएंगे। ईडी ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश नहीं माने जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल ये भी फैसला ले पाएंगे कि उनकी जगह कौन कमान संभालेगा। तो एक बड़ी चिंता की बात है, चिंता की बात भी है। और अदिति, और दूसरी बात ये कि चलिए मान लीजिए आम आदमी पार्टी से ये दलित जो विधायक है या जो दलित ग्रुप है, जो कुनबा है, वो छिटक रहा है, लेकिन चुनौती अभी ये नहीं है, चुनौती बीजेपी के लिए भी है कि क्या बीजेपी उसे बटोरने में कामयाब हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कल भी शिखा आपसे इस बारे में हमने बात की थी, बात ये कही थी कि जब आम आदमी पार्टी के खुद के मंत्री, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये मंत्री हैं इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, इनके पास गुरुद्वारा मैनेजमेंट पोर्टफोलियो था, एससी एसटी पोर्टफोलियो था, इनके पास उस समाज का, दलित समाज का पोर्टफोलियो था। अब बात है भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में किसी भी कीमत पे 400 पार करने में कोई, जैसे कई बार शिखापन कहते हैं ना, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, उसमें उन्होंने राजस्थान से, जहां पे नॉर्थ के राज्यों में भी इतने सारी ऐसा भूमिका थी नॉर्थ के राज्यों में कि 100% भाजपा जीतेगी, फिर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर राज्य से कांग्रेस के नेता दूसरे दलों के नेता को लिया है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग करनी है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 400 पार जाना है या फिर आपको दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज करनी है। तो ये जो दलित वोटर है, एससी वोटर है, एसटी वोटर है या ओबीसी वोटर है, इसको देश भर में अब अपनी तरफ लाना ही होगा। और आप देख लीजिए सबसे बड़ा उदाहरण है, नीतीश कुमार को अपने साथ लाने का सिर्फ एक मसला था कि अति पिछड़े वोटर को अपने साथ लाना। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध किसी से छुपे नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने भविष्य को देखा, गिरते जनाधार के चलते आ गए, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े वोटर को देखते हुए नीतीश कुमार को अपने साथ लिया और इंडिया गठबंधन की दूरी को तोड़ दिया। तो अब आप ये बात कह रहे हैं कि देखिए, जैसे कल कहा गया संजय सिंह द्वारा कि कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर राजकुमार भाजपा में शामिल होता है, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी, पहले तो लोक विधानसभा चुनाव तो बहुत बाद की बात है, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए सातों की सातों सीटें अगर 400 पार करना है। तो इन सातों सीटों में केवल एक सीट, और इसका आकलन भी समझ लीजिए, केवल एक सीट ही रिजर्व्ड है। और 2014-2019 50% से ज्यादा वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज हुए थे 2014-19। हाँ, आम आदमी पार्टी 19 में सेकंड नंबर पे आई, आम आदमी पार्टी 19 में कई जगह सेकंड नंबर पे आई। तो अब चिंता की बात यह है कि इन वोटर्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और जब राजकुमार का ये कहना कि मैं तो बाबा राव अंबेडकर साहब की वजह से बना, मेरे समाज की वजह से बना, मुझे समाज को वापस करना है, मुझे समाज को धन्यवाद देना है, ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से राजकुमार कहीं लड़ेंगे चुनाव,
तो भारतीय जनता पार्टी को उनके समर्थकों का उनका वोटर मिलेगा। बल्कि सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार को जब लिया तो आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा अपने इंटरनल आलोचनाएं झेली थी, क्योंकि ये पहली बार मंत्री बने और पहली बार ही विधायक बने और उनको मंत्री बना दिया। पार्टी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे दलित नेता थे, ऐसे नेता थे, वो पसंद नहीं कर रहे थे कि ये एग्जाम्पल गलत है कि आपने पहली बार किसी को विधायक बनाया और फिर पहली बार में मंत्री बना दिया, तो काफी खींचतान भी रही थी। और अब इंटरनल सूत्रों से आपको बता दें कि कैसे भाजपा को फायदा मिलेगा। अब पार्षद, पदाधिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब आम आदमी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, तो ऐसे में वो लोग अपना भविष्य, अभी भी ज्यादातर लोग जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहे हैं वो भाजपा के पास जा रहे हैं। अगर और ये जो जो पदाधिकारी अब छोड़ने की तैयारी में है, तीन दलित छोड़ चुके हैं, दो पंजाब और एक दिल्ली, और अब ये सिलसिला अगर आगे बढ़ता है तो ये सभी लोग अपना भविष्य भाजपा में देखेंगे। और भाजपा इस 7 सीटों के साथ साथ 2025 फरवरी में होने वाले विधानसभा के तो फिर अदिति, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा जाता है बीजेपी के लिए, वो बार बार बोलती रही। अभी हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले आतिशी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। ऐसे में राजकुमार का इस तरीके से आम आदमी पार्टी को छोड़ना, और कहा जा रहा है कि ईडी का छापा भी कुछ दिनों पहले घर पे पड़ा था, ऐसे में क्या बीजेपी उस कुंबे को तोड़ना चाह रही है, या फिर राजकुमार ने अपने मन से जो भी किया होगा वो किया होगा और आगे की रणनीति में उनके लिए बीजेपी कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट है? देखिए, इसको दो तरीके समझ लें। पहला तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स एंड वॉर, जिसे कहा जाता है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां जहां पर अपना संगठन नहीं था, जहां जिन जिन सीटों में, जिलों में, मंडल में ये महसूस हुआ कि हम 19 हैं, हमें 20 होने की जरूरत है, तो वहां पर दूसरी पार्टी के या उस समुदाय के नेता को जो बड़ा जनाधार रखता उसको ले लिया। हर जगह आप देखें, आपने रोज ये शिखा अपने न्यूज पढ़ने के समय कहा कि आज भाजपा में उड़ीसा से शामिल हुए, आज भाजपा में राजस्थान से हुए, आज पश्चिम बंगाल से हुए। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो 19 हैं संगठन में, तो उनको 20 किया गया। चाहे 19 है वोट समाज के, सामाजिक वोट के लिहाज से, तो उनको लिया गया। तो देखिए, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से कोई जनाधार से ज्यादा संगठन नहीं है। आपने देखा होगा कि हर्षवर्धन जी को सीएम बनाने की बात हुई, उसके अलावा तमाम बहुत सारे लोग थे, लेकिन दिल्ली में भाजपा का इम्पैक्ट नहीं है। उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए जाहिर तौर पर जिनका इम्पैक्ट है उनको लिया जाएगा, फिर अपना संगठन बढ़ाया जाएगा। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आम आदमी पार्टी टूटती है तो वो अपना भविष्य भाजपा में देखेगी। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, जिसको लेकर ईडी वीडी तमाम चीजें हुई, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा और आतिशी ने कहा कि इतने सारे विधायकों को संपर्क किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो अगर चीजें होती भी हैं, तो फिर जैसा मैंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लोकसभा चुनाव में इतने अशोक चौहान महाराष्ट्र के तमाम नेताओं को ले लिया, तो अगर दिल्ली में उनको अपना संगठन खड़ा करना है, चाहे लोकसभा की 7 सीटें हो, चाहे 117 सीटें हो विधानसभा की, जाहिर तौर पर जो छिटकेगा वो अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ ही देखेगा। इसमें भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि भाजपा का संगठन कमजोर है, भाजपा दिल्ली में वो मजबूत हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि अब धीरे 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 उनका कुंबा जो पहले खड़ा था साथ में, टूट नहीं रहा था जी, अब वो बिखरता हुआ। लेकिन अदिति, चिंता की बात क्या बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि संजय सिंह को जिस तरीके से जमानत मिली है, अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह की जमानत के साथ ही आम आदमी पार्टी जो है इंटरनली बहुत स्ट्रांग भी है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी वापस आ जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि जो सेंटिमेंट है दिल्ली की जनता के अंदर, अरविंद केजरीवाल अगर आज उस पद पर हैं तो वो जनता के सेंटिमेंट की वजह से है। उन्हें लगा कि एक बदलाव की जो बयार है वो वही है और उसमें हम सबको होना चाहिए। मुझे आज भी याद है रामलीला ग्राउंड, आपको याद होगा हम सब उन दिनों रिपोर्टिंग भी करते थे, रामलीला ग्राउंड में आईएएस हो, आईपीएस हो, काम करने वाला मजदूर हो, लॉयर हो, या कोई भी यंगस्टर हो, हर कोई रामलीला मैदान में उस वक्त मौजूद था जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को हटाना जरूरी है और उसके लिए हमें एक साथ होना होगा। ऐसे में संजय सिंह की को जो जमानत मिली है, क्या ऐसा नहीं लगता है अदिति, ऐसा नहीं लगता कि उसके बाद कहीं ना कहीं संजय सिंह की जमानत के साथ ही आम आदमी पार्टी की जो चेतना है वो स्ट्रांग होगी?
नहीं सब कुछ देखिए, वैसे तो जमानत मिली उस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कोर्ट का प्रोसीजर है, कानून उसमें है। लेकिन एक शिक्षक मुझे आपसे सवाल पूछना है, आप बताइएगा अरविंद केजरीवाल जिस रामलीला मैदान के उस सिनेरियो का आप जिक्र कर रहे हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया, उनको 15 अप्रैल तक हिरासत में रखा जा रहा है तिहाड़ जेल, क्या आपको वो तमाम रामलीला में आए लोग सड़क पे दिखे? क्या कोई भी उनके पॉलिटिकल संगठन के कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, वैसे तो कार्यकर्ता भी ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन और चलिए वो इसलिए नहीं दिखे कि उनको पुलिस ने 144 लगा रखी, पर क्या जनता दिखी? क्या कोई पिछले 10 दिन में आपको सेंटिमेंट दिखा? मैं ये अपनी तरफ से नहीं, ये जो चौतरफा जो एनालिसिस है भाजपा के अंदर भी, आम आदमी पार्टी के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, और ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सवाल ये है कि जब इतना बड़ा नेता जो जिसने एक बयार बनाई थी कि हम भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे, आज वो जब जेल के अंदर है, तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में जो वोटर है वो सड़क पे दिखे इस बात के वो करने के लिए कि वो जेल में क्यों है और किस लिए है, और विरोध करना, विरोध प्रदर्शन हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो ये समझ लें, वोट, चुनाव और नेता ये केवल और केवल जनता से बनते हैं, जनता से खत्म होते हैं, जनता से शुरू होते हैं। अगर वो जनता सेंटिमेंट सड़क पे आ जाती तो जाहिर तौर पे आज अरविंद केजरीवाल का जेल में होना भी एक इशू होता। दूसरी बड़ी बात है, हर एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, भाषण हो रहे हैं, और हर दिन भाषण में वो जनता से एक बात पूछ रहे हैं कि मैंने जो जो वादा पूरा किया मैं कर रहा हूं, जो जो वादा मैंने किया। और दूसरी बात है कि मेरे पास भले ही आरोप लगता है ईडी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, पर एक सवाल आपसे है कि क्या मैं भ्रष्टाचारियों को बंद नहीं करूं? क्या मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ दूं? क्या जो जिस तरीके की, और फिर भीड़ में से आवाज निकल कर आती है कि आप बंद करो, आप कार्रवाई करो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपना एक तरीका है उस सारे आरोपों से लड़कर जनता से इंटरेक्ट करने का। हालांकि देखिए, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, यह आने वाला लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर इम्पैक्ट, ये 2025 की फरवरी में होने वाले 117 सीटों पर दिल्ली का चुनाव, ये सब कुछ बताएगा। आज आप और हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, बट सवाल ये है कि संजय सिंह के बाहर आने से जाहिर तौर पे एक राहत की सांस जो कुछ बचे, कुछ संगठन के जो लोग हैं जो आज भी समर्पित हैं आम आदमी पार्टी के संगठन को, वो राहत मिली। और आप देखिए, संजय सिंह के चेहरे पे शिकन नहीं है, वो आते हैं, वो लगातार बात करते हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो अगर अभी संजय सिंह नहीं होते तो केवल आतिशी बयानबाजी कर रही होती है, और वो कब तक कर रही होती? तो संजय सिंह के आने से नो डाउट आम आदमी पार्टी को एक सहारा मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी का जब आप नाम लेंगी तो आपको सबसे पहला कौन सा चेहरा याद आएगा? अरविंद केजरीवाल। और देखिए, नेताओं की बातें अगर छोड़ दें तो सरकार कौन चलाएगा? सरकार तो गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट का चेहरा होता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जेल में है तो सरकार कौन चलाएगा? तो भी आने वाले दिनों में काफी कुछ है, लेकिन जिन दलित वोटर्स की हम बात कर रहे हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने और बाहर करने के लिए। और ये दलित वोटर जो 20% है वो फिलहाल अब आम आदमी पार्टी से छटक रहा है, और बीजेपी की नजर इन 20% दलित वोटर पर है, और इन 12 रिजर्व सीटों पर है।